हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश मैं तुम्हें। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि टॉप 10 NITs कौन कौन से होते हैं, अगर आपको जेईई मेंस में कम से कम परसेंटाइल मिनिमम परसेंटाइल आया है तो उसमें आपको कौन से NITs मिल सकता है, ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो आपको सब कुछ बताऊंगा मैं। NIT दुर्गापुर से बात करते हैं। NIT दुर्गापुर एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मिनिमम परसेंटाइल की अगर बात करें तो 95.8 समथिंग आपके कुछ परसेंटाइल अगर बनते हैं आते हैं तो आपको NIT दुर्गापुर मिल जाएगा, ठीक है। और ब्रांच की बात करते हैं, इसमें ब्रांच मतलब स्पेशली केमिस्ट्री केमिकल मतलब केमिस्ट्री आपको मिल सकती है, केमिकल ब्रांच, ठीक है। और इसमें मार्क्स की बात करें, मार्क्स में अगर बात करें तो 140 से 150 के बीच में सेफ स्कोर है, ठीक है। 140 से 150 स्कोर सेफ स्कोर आप मान के चलो, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं सेकंड की कि और अगर मान लो आप होम स्टेट होम स्टेट कोटा भी होता है, यानी कि आप जिस भी शहर में हो, मान लो जिस स्टेट में आप, उसी स्टेट का आपको NIT चाहिए, तो उसमें यार बेसिकली कोई भी ब्रांच से आपको मिल जाएगा वो कॉलेज NIT। और उसमें बेसिकली परसेंटाइल भी अगर कम है आपके तो भी आपको मिल सकता है, ये फायदा रहता है होम स्टेट कोटा का, ठीक है। यहाँ पे मतलब जितने भी कॉलेज की बात करूँ, अगर आप होम स्टेट ऑफ कोटा के थ्रू एडमिशन लोगे तो उसमें फ़ायदा ही रहेगा कि आपको कोई भी ब्रांच मिल सकती है आपके हिसाब से, और परसेंटाइल कम से कम आपके, यानी कि अगर 95 से भी कम है तो हो सकता है आपको वो कॉलेज मिल जाए, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं NIT जलंधर के बारे में, यह भी एक अच्छा कॉलेज है। इसके लिए मिनिमम परसेंटाइल चाहिए कम से कम आपको 96.1, ठीक है। इसके लिए थोड़ी परसेंटाइल थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, 96.1 आपकी परसेंटेज अगर आती है तो NIT जलंधर आपको मिलेगा, मिल सकता है। और मार्क्स के भी बात करें तो 140 से 151 इसका ये स्कोर होगा, मतलब मार्क्स आपके इतने बीच में होने चाहिए, ठीक है। और ब्रांच की बात करें तो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन आपको मिल सकती है, ब्रांच थोड़ी सी अलग है लेकिन आपको NIT का टैग मिल रहा है, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती, इसलिए NIT का आपको टैग मिल जाएगा NIT जलंधर, तो उसमें ब्रांच आपको मिल जाएगी इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो सेफ स्कोर क्या है इसका, 150 से 150 के बीच में आपके आने चाहिए, ठीक है। 96.1 परसेंटाइल इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं NIT मेघालय के बारे में, इसका मिनिमम परसेंटाइल 95.8 कम से कम लगेगा, ठीक है। मार्क्स की मैं बात करता हूं, 149 से 154 के बीच में मार्क्स होंगे तो उतना ठीक रहेगा। और ब्रांच की अगर बात करें तो ब्रांच इसकी सिविल होगी। होम स्टेट ऑफ कोटा की बात करें तो आपको कोई भी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है, हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल जाए, और उसमें परसेंटाइल अगर कम भी होते तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ये फायदा रहता है होम स्टेट कोटा का। उसके बाद बात करते हैं NIT रायपुर के बारे में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसमें मिनिमम परसेंटाइल कितने हैं, 95.5 परसेंटाइल आपको कम से कम लगेंगे, ठीक है, 95.5 परसेंटाइल लगेंगे। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 148 से 152 के बीच में सेफ स्कोर मान के चलो आप, ठीक है। और उसके लिए ब्रांच आपकी बात करें तो ब्रांच में माइनिंग मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब ब्रांच को मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ब्रांच को रख करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्रांच आपको माइनिंग इंजीनियरिंग मिल सकती है, ठीक है, NIT का टैग है, कैसे ही हो, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटाइल 95.5, मार्क्स 148 से 152 के बीच में ब्रांच माइनिंग, ठीक है, तो आपको NIT रायपुर में मिल सकता है। होम स्टेट कोटा मान लो आप रायपुर से ही हो तो आपको उसमें मतलब कम परसेंटाइल भी हो तो आपको अच्छी ब्रांच के साथ वो कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। NIT अगरतला की बात करिए तो मिनिमम परसेंटाइल 95.4 कम से कम आपको चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मार्क्स की बात करें तो 147 से 152 कम से कम मार्क्स की इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और ब्रांच की बात करें तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, अब इसमें क्या है, आपको NIT का टैग मिल रहा है तो बढ़िया ही है, ठीक है, ना करने मतलब छोड़ने से तो अच्छी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपको ब्रांच मिल सकती है। सेफ स्कोर की बात करें तो 147 से 152 के बीच में आपके आने चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करते हैं NIT पटना के बारे में, NIT पटना की मिनिमम परसेंटाइल कम से कम आपको ज़रूरत पड़ेगी 95.3 के लिए, ठीक है, 95.3 परसेंटाइल मिनिमम इसमें है। और मार्क्स की बात करिए, एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है, सब एक्सपेक्टेड मार्क्स जो बता रहा हूँ, 146 से 152 के बीच में, 146 से 152 के बीच में आपके आने चाहिए, तो आपको मिल सकता है NIT पटना, ठीक है। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच कम से कम ब्रांच होगी सिविल, ठीक है। और देखो बेसिकली कोई भी NIT वगैरह की बात करें तो 140 से 150 के बीच में आपका स्कोर आना चाहिए, और अगर होम स्टेट कोटा से हो तो आपको तो गारंटेड मिल ही जाए कोई भी NIT, मतलब आपके स्टेट का NIT। NIT मणिपुर की बात करें तो परसेंटाइल इसका बेसिकली 95.8 समथिंग ज़रूरत पड़ेगी, 95.8 परसेंटाइल की रिक्वायरमेंट इसमें। और इसमें मार्क्स की बात करिए तो 149 से 154 के बीच में आपके आनी चाहिए। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच आपको उसमें सिविल मिल जाएगी, ठीक है, सिविल भी अच्छी ब्रांच होती है, ठीक है, इसलिए NIT मणिपुर से आप कर सकते हो, ठीक है। NIT अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसके लिए मिनिमम परसेंटाइल है 95.4, ठीक है। और उसमें मार्क्स की बात करें तो 147 से 153 आप सेफ स्कोर मान के चलो, ठीक है। और ब्रांच क्या है, ब्रांच इसमें सिविल है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉलेज की हम बात करते हैं NIT श्रीनगर के लिए आपको कम से कम परसेंटाइल चाहिए 95.3, और एक्सपेक्टेड मार्क्स का बात कर ले तो 146 से 152 के बीच में आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, क्लियर। और ब्रांच की बात करते हैं किसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये टोटल 9 कॉलेज है, अभी एक कॉलेज आपको और बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट कॉलेज की और बात कर लेते हैं 10th नंबर का, NIT पुडुचेरी, ये भी है, इसके लिए मिनिमम परसेंटाइल आपको लगेगी कम से कम 95.3 के करीब। और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स मैं वहाँ पे बता रहा हूँ 146 से 152 के में कम से कम आने चाहिए, ठीक है। और ब्रांच की बात करें तो ब्रांच आपको
सिविल मिल सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटल मैं आपको टॉप 10 NITs बता दिया। और अगर आप होम स्टेट कोटा का इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली उसमें आपको कम से कम परसेंटाइल में भी आपको कोई भी मतलब आपके हिसाब से आपको ब्रांच मतलब जो भी आपको सिलेक्ट करनी है उसके हिसाब से आपको वो कॉलेज मिल सकता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। टोटल टॉप 10 NITs आपको बता दिया। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा और बताओ। और कोई भी आपको डाउट है तो बता दो, उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अगर आप चैनल को अभी आप न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की वीडियोस आपको अच्छा इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।